सो बस अभी तक हमने रिएक्ट कोर्स में जो भी चीज़ें देखी वो हमने एक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट की सहायता से करी। हमने जब भी कंपोनेंट बनाए तो वो एक फंक्शंस थे। हमने अभी तक यही सीखा है कि एक कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर हमेशा फंक्शन ही होता है, बट ऐसा सच नहीं है। रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स क्लासेस भी हो सकती हैं। आसान तरीका फंक्शंस था, इसलिए हमने फंक्शंस का इस्तेमाल करके रिएक्ट ऐप यानी कि जो हमारी टेक्स्ट डूडल्स ऐप थी वो बनाई। बट अगेन यार, हम लोग क्लासेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और क्लासेस का इस्तेमाल करना आना आप लोग को इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप लोग किसी रिएक्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, मान लो क्लास बेस्ड कंपोनेंट पर आधारित है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस पर काम नहीं कर पाएँ, क्योंकि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में से अगर आपको फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, रिएक्ट और जेएसएक्स के बारे में आ गया, अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट पर स्विच करने का ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि आपको समझ में तो आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिखा दूंगा सब कुछ आप लोगों को। क्लास बेस्ड कंपोनेंट इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट को देखने के लिए मैं डेमो एप्स बनाऊं फालतू की, उससे अच्छा मैं एक एक्चुअल ऐप बनाता हूं जिसमें एक्चुअल में मजा आएगा आप लोगों को। जिस तरह से टेक्स्ट ट्यूटल्स हमने बनाई, एक यूजेबल ऐप है ये, mytexttutorials.com के अंदर हमने सब कुछ होस्ट कर दिया, मजा भी आया, सब कुछ आप लोगों ने करा और काफी एक्सरसाइजेस करी हमने इस ऐप से रिलेटेड। अब टाइम आ चुका है हमारे पास एक नई ऐप बनाने का। शिफ्ट राइट क्लिक दबाऊंगा, ओपन विद पावरशेल हेल्प पर क्लिक करूंगा। शिफ्ट मत भूलना दबाना क्योंकि शिफ्ट राइट क्लिक दबाओगे तभी आपका ये खुलेगा। और मैं यहां पर क्या करूंगा, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद मैं यहां पर लिख दूंगा न्यूज ऐप। अब ये न्यूज ऐप क्या है आप लोग सोचोगे, अब बहुत सारे लोगों को ये कमांड शायद याद ना रहे, विच इज टोटली नॉर्मल यार। देखो आपको रटना नहीं है कुछ भी, आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है वो याद रखना है, और वो भी याद नहीं रहे तो आप आकर देख लो कि मैंने कैसे बनाया था इस वाले वीडियो में। क्योंकि यार देखो, जो अगर आप बिगिनर हो, मुझे तो सब कुछ रटा हुआ है, ठीक है, मतलब सब कुछ नहीं रटा हुआ है, एक अच्छे लेवल तक रटा हुई है चीज़ें, क्योंकि यार मैंने काम किया हुआ है इतना ज़्यादा इसमें। बट अगर आपने काम नहीं किया हुआ है इसमें, या फिर अगर आप जावास्क्रिप्ट में भी इतना ज़्यादा आपने काम नहीं किया हुआ है, तो क्या होता है कि आप लोग बिल्कुल भी अच्छी तरह से याद नहीं रख पाएंगे चीज़ों को, तो आपको रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे, विच इज़ टोटली फाइन। आप डॉक्यूमेंटेशन पर जाओ, क्रिएट रिएक्ट ऐप के पेज पर जाओ, मेरी वेबसाइट पर जाओ यार, आप लोग यहाँ पर वीडियो खोल लो, देख लो मैंने कैसे बनाया था, सिर्फ उतना पोर्शन देख लो कि कैसे बनाया था मैंने, जैसे कि ये वीडियो में मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करके बनाई थी अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन, तो आप लोग इसको खोल सकते हो और वहाँ पर देख सकते हो कि मैंने कैसे बनाया था। देखो मैं कहाँ पर गया, मैंने किस कमांड का यूज़ किया, आप लोग कुछ इस तरह से नेविगेट कर सकते हो और यहाँ से देखकर आप लोग जो है पता लगा सकते हो मैंने कैसे ये काम किए थे सारे, ठीक है। तो यार मेरी रिएक्ट ऐप तो अभी भी बन रही है, जल्दी से फिनिश हो जाए फिर मैं वापस आता हूँ। तो यार ये चीज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है, और कभी कभी तो मेरे कंप्यूटर में इतना टाइम लगा देती है कि मुझे टेम्प्ट होना पड़ता है इसको कैंसिल करने के लिए। बट कैंसिल मत करना, ये अपना टाइम लेती है, आप चाय कॉफ़ी वगैरह पी के आ सकते हो जितनी देर में ये हो रहा है। मैं एक बात यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यार देखो, मुझे जब मैं तेज़ वीडियोज़ डालता हूँ, दिन में 2-4-5-6 वीडियोज़ डालता हूँ, तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि यार इतनी तेज़ मत डालो, इतनी तेज़ मत डालो। बट एक्चुअल में वो वीडियोज़ मैंने उस दिन नहीं बनाए होते हैं, वो वीडियोज़ या तो एडिट के लिए पेंडिंग रहते हैं, या मैं उनको किसी रीज़न से डाल नहीं पाता हूँ, क्योंकि डालने के लिए भी थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, टाइटल डालना पड़ता है, थंबनेल डालना पड़ता है। तो यार प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करा करो कि यार एक ही दिन में सारे मत डालो, अगर मैं डाल भी रहा हूँ तो आप उसको बाद में देख सकते हो यार, ये बात आपको भी मालूम है। और उसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एक दो दो वीक तक मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, और उसका रीज़न ये है कि यार मेरी एक फुल टाइम जॉब है, मुझे फुल टाइम जॉब के लिए अपना पूरा टाइम निकालना पड़ता है और उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। उसी के साथ साथ कुछ और भी काम होते हैं जिनको मुझे यहाँ से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है, फॉर ऑब्वियस रीजंस यार, इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। तो यार जब जब मैं कंटेंट पुश करता हूँ, मेरा एक ही दिमाग में चीज़ होती है कि यार क्वालिटी कंटेंट पुश करना है, नहीं तो नहीं करना है। मैं दो वीक तक भले ही ना डालूं कुछ भी, लेकिन अगर मैं कुछ डालूंगा तो उसका मतलब होगा, वो मीनिंगफुल चीज़ होगी। तो यार रिक्वेस्ट यही है कि यार आप लोग समझना इस बात को, और ये भी ऑलमोस्ट हो गया है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि ये जो हमारी रिएक्ट ऐप बनी है अभी अभी, हम इसको खोलेंगे, और इसको खोलने के बाद राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे, और ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं यहाँ पर जनरेट हो गई हैं। देखो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, और अगर आपका थोड़ा सा भी स्लो है कंप्यूटर तो यार बहुत टाइम ले लेगा ये, तो कैंसिल मत करना, इसको होने देना, ये चलेगा, ठीक है, हो जाएगा, ये टाइम लेगा अपना बट ये हो जाएगा। तो देखो अभी भी हो ही रहा है ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये जो मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है ये तो मैंने अभी अभी देख ही लिया कैसा है। यहाँ पर आप देखो SRC के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, और उसी के साथ साथ आप लोग देखो नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, सब कुछ रेडी होकर हमको मिल गया है ये प्रोजेक्ट। मुझे अभी यहाँ पर क्या करना है, मैं app.js के अंदर आऊँगा। आपको पता है कि यार app.js एंट्री पॉइंट होता है, इनफैक्ट index.js जो होता है वो ऐप को इम्पोर्ट करता है, और यहाँ पर जो ऐप होती है उसको हमारे index.html के अंदर डालता है। और ये काम कैसे होता है बिहाइंड द सीन्स, ये समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपको समझने की ज़रूरत है वो बस इतना है कि app.js के अंदर हमारा कंपोनेंट होता है। मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि सब कुछ मिटा दूँगा, और सब कुछ मिटाने के बाद
इनफैक्ट मिटाने से भी पहले मैं क्या करूँगा, npm रन स्टार्ट कर लूँगा ताकि सबसे पहले ये चेक करता हूँ सही चल रहा है, बिल्कुल सही हो गया हमारा सब काम, ये टर्मिनल अब मैं बंद कर सकता हूँ, npm रन स्टार्ट कर देता हूँ और वेट करता हूँ। बहुत ही जल्दी डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया, इसको खोलता हूँ और यहाँ पर देखो ये हमारी जो रिएक्ट ऐप है इनिशियली मिलती है हमको वो मिल गई है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि जो हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं यूज़ करना चाहता हूँ रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट। एक्सटेंशंस में आकर मेक श्योर कि आपने इंस्टॉल करी हो ये वाली एक्सटेंशन ES6 React Redux, React Redux कहाँ गई वो एक्सटेंशन, मैंने ES7 React Redux, GraphQL React Native Snippets, ये अगर आपने इंस्टॉल नहीं करी हुई है तो यार इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लेना क्योंकि मैं इन snippets का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे snippets इन्होंने दिए हुए हैं और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो इन्होंने बहुत सारे snippets दिए हुए हैं किस तरह से क्लास बेस्ड कंपोनेंट यहाँ पर मुझे लेकर आना है। तो RCC में लिखूँगा तो मुझे क्लास बेस्ड कंपोनेंट मिलेगा और मैं यही करूँगा, RCC लिखूँगा अभी, तो इसको बंद करता हूँ मैं। RCC जैसे ही टाइप करूँगा RCC और एंटर मारूंगा तो ये देखो ये मुझे ऑटो कंप्लीट होकर मिल गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे RCC लिखकर ही हमेशा कंपोनेंट जनरेट करना है, मैं यहाँ से कॉपी करके भी ला सकता था बट RCC लिखना एक थोड़ा सा कन्वीनियंट तरीका हो जाता हमारे लिए। ये सारे के सारे स्निपेट्स हैं जो कि एक्सटेंशन हमको देती है। तो जो क्रिएट रिएक्ट ऐप थी उसने बाय डिफॉल्ट प्रेफर किया एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, बट हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट की, ठीक है। तो ये logo.svg जो है वो मुझे नहीं चाहिए, वो React का जो बड़ा सा लोगो होता है वो मुझे अभी नहीं चाहिए। तो logo.svg को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो मैं डिलीट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में सिर्फ वो फाइल्स रखना चाहता हूँ जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा हेलो माई फर्स्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये देखो रिएक्ट ऐप, ये देख रहे हो आप लोग, मैं इसको रिलोड करता हूँ यार कंट्रोल आर, हाँ ये देखो हेलो माय फर्स्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है आ गया जो मैंने वहाँ पर डाला। इसका मतलब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बना सकता हूँ, बट यार डिफरेंस क्या है क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में? यार एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पर रेंडर फंक्शन बना के उसमें रिटर्न करते हैं और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में डायरेक्टली हम रिटर्न कर देते हैं, नहीं लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये हमारा एक बेसिक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, जो चीज़ हमारे फंक्शन के अंदर थी वो हम यहाँ पर डायरेक्टली डाल सकते हैं। यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर प्रॉप्स और उसी के साथ साथ यहाँ पर और चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। और टू बी ऑनेस्ट अगर आपको क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स आप डायरेक्टली यहाँ पर बना सकते हो, तो मेथड्स का मैनेजमेंट थोड़ा सा ईजी रहता है, यानी कि आप दिस डॉट करके मेथड्स को रन कर सकते हो। अगर आपको क्लासेस में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो मैं कहूँगा यहाँ पर क्लासेस का इतना कॉन्सेप्ट यूज़ हो भी नहीं रहा है, आप टेंशन मत लेना। अगर आपको जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, बस ऐसा समझना आप लोग कि यहाँ पर अगर मैंने कोई भी वेरिएबल बनाया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बनाया let's see इज इक्वल टू लेट अस से जॉन, और लेट सी इज इक्वल टू जॉन लिख के मैंने सेमी कॉलन लगाया, मुझे सी लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, मैं सी इज इक्वल टू जॉन कर सकता हूँ, लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है सॉरी, मैं यहाँ पर सी इज इक्वल टू जॉन कर दूंगा, ये मेरा क्लास वेरिएबल बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरह से सी को रेंडर कर सकता हूँ, मैं इसको सेव करूँगा। जैसे आप लोग देखना यहाँ पर सी इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, दिस डॉट सी मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं दिस डॉट सी यहाँ पर करूँगा तो क्लास, इस क्लास का वेरिएबल सी यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा जो कि जॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ मैं, हेलो माय फर्स्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट जॉन। तो मैं इस तरह से वेरिएबल्स बना सकता हूँ, मैं स्टेट के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकता हूँ, दिस डॉट स्टेट का इस्तेमाल करके, दिस डॉट प्रॉप्स का इस्तेमाल करके मैं प्रॉप्स बना सकता हूँ। तो हम लोग देखेंगे थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट की किस तरह से क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के साथ काम करना है। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ आप लोगों को क्लास बेस्ड कंपोनेंट समझाने के लिए है, ठीक है। हम लोग देखेंगे किस तरह से ये सब चीज़ें काम करती हैं और आने वाले वीडियोस में हम लोग एक न्यूज़ ऐप बनाने वाले हैं, तो मैं आप लोग को जल्दी से बता दूँ न्यूज़ ऐप क्या है। अब न्यूज़ API करके अगर आप लोग सर्च करोगे इंटरनेट पर तो एक news.api.org करके लिंक आपको मिलेगा। ये बेसिकली एक वेबसाइट है जो कि आपको फ्री में न्यूज़ प्रोवाइड करती है। इस API की डेफिनेटली कुछ लिमिटेशंस हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आप लोग इसको कमर्शियली यूज़ करना चाहते हो, बट क्योंकि डेवलपर्स के लिए टोटली फ्री है, आप स्टार्ट आउट कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद 449 पर मंथ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है या कोई अफोर्ड कर पाएगा कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं पता। बस ये है कि आप लोग अभी ये वाला जो इसका पैक है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
न्यूज़ एपीआई वालों का धन्यवाद, क्योंकि डेवलपर इन्होंने ज़ीरो रखा है, टोटली फ्री। एक ऐसी एपीआई, अच्छी एपीआई हमने पहले भी यूज़ करी, अगर आपको याद हो तो मैंने ये एपीआई पहले भी यूज़ करवाई है। तो हम लोग तो यार इसी को इस्तेमाल करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर और एक मीनिंगफुल ऐप बनाने की कोशिश करेंगे। ये टोटली फ्री है, हम स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्ट विद डेवलपर पर क्लिक करके, यहाँ पर साइन अप वगैरह करेंगे अगले वीडियो में। बट मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। मैं एक वेबसाइट प्लान कर रहा हूँ जिस पर हम डेली न्यूज़ देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो मैं वेबसाइट अगर डिप्लॉय भी करता हूँ तब उसकी जो टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए सब लोग अपनी अपनी एपीआई की यूज़ करके अपने अपने डिप्लॉयमेंट करना। मेरी एपीआई की का इस्तेमाल मत करना, इनफैक्ट मैं दूंगा भी नहीं अपनी एपीआई की, क्योंकि अगर मैंने दे दी अपनी एपीआई की तो 100 रिक्वेस्ट पर डे या सिर्फ फ्री में वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी। सब लोग अपनी अपनी फ्री एपीआई की लेकर करना काम। तो हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो जरूर से एक्सेस कर लेना, यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लेना प्लेलिस्ट को और यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।